सो हे वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब, होप कि बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे, और फिलहाल आज मैं आ चुका हूँ किया के शोरूम में, और अपने पीछे खड़ी है किया सोनेट HT के वेरिएंट। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस प्यारी सी कार के बारे में, कवर करेंगे क्या कुछ फीचर फंक्शंस मिलते हैं इस कार में, क्या प्राइसिंग रहने वाली है, क्या माइलेज है, इंजन स्पेक्स, सब चीज़ों को कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट लुक के साथ। यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको हेडलाइट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। और वहीं अगर हम लोग हेडलाइट्स की बात करो तो यहाँ पे कुछ 2 बॉक्सेस देखने को मिल जाएंगे। बाकी हेडलाइट जो है अपना हैलोजन रहने वाला है, उसी के साथ यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड टर्निंग लाइट्स मिल जाते हैं जो कि बल्ब में रहने वाला है। नीचे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको ब्लैक क्रोम का इंसर्ट देखने को मिल जाता है, ये रहने वाला है फॉग लाइट ऑफ द कार। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के डिजाइन के साथ ग्रिल मिल जाता है। यहाँ पे किया का आपको 3D लोगो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक टोइंग हुक का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर देखने को 4 मिल जाते हैं। सो गाइस, फाइनली हमने इसके बोनेट को ओपन कर दिया और यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको इंजन मिल जाता है। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है। पेट्रोल और डीजल 2 ऑप्शंस मिलते हैं, बट यहाँ पे अपना 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन रहने वाला है। वहीं अगर आप डीजल इंजन की ओर जाओगे तो 1.5 लीटर का आपको 4 सिलेंडर डीजल इंजन देखने को मिल जाएगा। बैटरी यहाँ रहने वाला है, बाकी अपना एयर फिल्टर रहने वाला है, फ्यूज बॉक्स रहने वाला है। सो गाइस, अब हम लोग आने वाले कार के राइट साइड में, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे टायर मिल जाता है। बिल्कुल अलॉय व्हील के जैसा दिख रहा होगा आपको, बट ये अलॉय व्हील नहीं है, ये रहने वाला डुअल टोन वाला व्हील कवर जो कि बिल्कुल ही अलॉय व्हील के जैसा ही लगता है। बाकी अगर हम लोग टायर साइज की बात करें तो 215/60R16 का आपको यहाँ पे टायर साइज मिल जाता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, बॉडी फिटेड टर्न इंडिकेटर रहने वाला है। उसी के साथ अगर यहाँ देखो तो यहाँ पे आपको कोई इंडिकेटर के लिए लाइट वगैरह नहीं मिलता है सच, बाकी आपको यहाँ पे ORVMs मिल जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे डोर हैंडल मिल जाता है। यहाँ पे आपको कोई पैसिव एंट्री वगैरह नहीं मिलता है, बाकी यहाँ से आप की इंसर्ट करके कार को लॉक अनलॉक कर सकते हो। सो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं कार के रियर साइड में और यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको लुक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लाइट मिल जाता है आपको, यहाँ पे शार्क फिन एंटीना मिल जाता है आपको काफी अच्छे लुक के साथ, और कुछ इस तरीके का आपको इंटीग्रेटेड लाइट देखने को मिल जाता है, कनेक्टेड लाइट यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। किया का बैजिंग यहाँ पे आपको मिल जाता है, उसी के साथ यहाँ पे आपको सोनेट का लोगो देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर मिल जाता है, ये रहने वाला है रिवर्स पार्किंग कैमरा, तो आपको यहाँ पे कैमरा भी मिल जाता है। ये फॉग लाइट रहने वाला है, उसी के साथ यहाँ पे अपना नंबर प्लेट होल्डर रहने वाला है। तो यहाँ पे सिंगल प्रेस में बूट को ओपन कर सकते हैं, तो काफी बड़ा सा यहाँ पे बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग इसको उठाए तो यहाँ पे आपको एक स्टेपनी टायर मिलने वाला है, इसी में अपना जैक वगैरह सब कुछ रहने वाला है, कुछ इस तरीके का स्पेस मिल जाता है आपको। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो रियर ग्लास में आपको डिफॉगर भी देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, बूट को तो हमने कवर कर लिया, अब इसको हम लोग फटाफट से बंद करते हैं। ऐसा यहाँ पे कोई आपको वाइपर वगैरह देखने को नहीं मिलता है एज इट इज एन बेस मॉडल। तो अब हम लोग फटाफट से कार के अंदर चलते हैं, बात करते हैं इंटीरियर के बारे में और अंदर क्या कुछ फीचर फंक्शंस मिल जाते हैं, उन सब चीजों को कवर करेंगे। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ ड्राइविंग सीट पे और सबसे पहले मैं डोर पैनल दिखाना चाहूंगा। तो राइट साइड के डोर में आपको काफी सारे बटन्स देखने को मिल जाते हैं। ये रहने वाला मिरर कंट्रोल अपना, ऑल 4 पावर विंडोज का, ये लॉक अनलॉक का बटन रहने वाला है। यहाँ से आप मिरर को एडजस्ट कर सकते हो अंदर से। सो गाइस, अगर हम लोग बात करें स्टेयरिंग के बारे में तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का स्टेयरिंग मिल जाता है। आपको यहाँ पे सर्कल में किया का लोगो देखने को मिल जाता है, एयर बैग का बैजिंग मिल जाता है, डुअल टोन में यहाँ पे आपको स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है, वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है आपको, यहाँ पे मोड मिल जाता है, कॉल पिकअप एंड कॉल कट का आपको यहाँ पे बटन देखने को मिल जाता है। वहीं आपको यहाँ पे मीटर कंट्रोल मिल जाता है, काफी सारे बटन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। 3 बटन मिल जाता है, ये रहने वाला ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, ये रहने वाला पार्किंग के लिए। सो गाइस, इसमें आपको कोई पुश बटन नहीं मिलता है, तो ये अपना फ्लिप की रहने वाला है, कुछ इस तरीके का लॉक अनलॉक का बटन रहने वाला है। तो फटाफट से की को इंसर्ट करेंगे और ऑन करेंगे, तो ऑन करते के साथ कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा, काफी सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको 3-way एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप सीट हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, उसी के साथ यहाँ पे आप आराम से सीट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, बाकी इसको आप चाहो तो आगे और पीछे भी कर सकते हो इजिली। स्टेयरिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आप स्टेयरिंग एडजस्टमेंट मिल जाता है, मैनुअल स्टेयरिंग एडजस्ट कर सकते हो आप इसको। सो गाइस, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके डैशबोर्ड के बारे में और इसके इंटरटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो काफी बड़ा सा आपको यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको काफी सारे बटन देखने को मिल जाते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है, मोड्स मिल जाते हैं, मीडिया का बटन, रेडियो का बटन, सीक, ट्रैक सेटअप, काफी सारे बटन यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स रहने वाले हैं, आपको यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है, अपना फैन का स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करने का बटन, ये अपना टेम्परेचर के लिए बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऑटो का बटन देखने को मिल जाता है, एसी ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो, 4 AC vents आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एयर बैग का लोगो देखने को मिलता है आपको लेफ्ट हैंड साइड में, उसी के साथ स्टेयरिंग पे यहाँ पे आपको एयर बैग का लोगो मिल जाता है, 2 एयर बैग्स आगे मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो गियर बॉक्स, यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलता है,
मिलता है। यहाँ पे अपने फोन वगैरह को रख सकते हो या फिर यहाँ भी रख सकते हो। 12 वोल्ट का यहाँ पे आपको एक पावर सॉकेट मिल जाता है। ये कप होल्डर रहने वाला है यहाँ पे। दिस इज द मैनुअल हैंड ब्रेक ऑफ द कार। ठीक है, साथ यहाँ पे आपको छोटा सा टिनी ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आप चाहो तो छोटे मोटे सामान या फिर चेंज वगैरह रख सकते हो। अब अगर हम लोग ऊपर की ओर बढ़े तो यहाँ पे आपको देखो कुछ इस तरीके का लाइट वगैरह देखने को मिल जाता है। दो आपको यहाँ पे येलो लाइट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप सनरूफ को ऑन ऑफ कर सकते हो। आपको यहाँ पे सनरूफ मिल जाता है इस वेरिएंट में। सो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ कार के मिडिल रूम में और यहाँ पे मैं बैठ चुका हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसके कंफर्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सफिशियंट हेडरूम देखने को मिल जाता है। अगर लेग रूम की बात करें तो सफिशियंट है, मतलब ठीक ठाक कहेंगे इसको। बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो एसी वेंट्स, रियर एसी वेंट्स देखने को मिल जाता है जो रियर पैसेंजर्स हैं उनके लिए। टाइप सी दो चार्जिंग का सॉकेट भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड कर्टेंस मिल जाते हैं, जो कि अभी के टाइम पे काफी ज्यादा मोस्ट डिमांडेड फीचर है एक कार में। गाइस, अगर हम लोग बात करें सीट के बारे में तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा सीट मिल जाता है, बट ना लेदर नहीं, फैब्रिक का सीट रहने वाला है। तो गाइस, सारे फीचर फंक्शंस को हमने कवर कर लिया और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इस कार के प्राइस के बारे में और इसके वेरियंट के बारे में। तो ये रहने वाला है किया सोनेट HT के वेरियंट और इसका जो प्राइस है वो 10,71,000 पटना पड़ने वाला है। अगर आप लोग बिहार पटना से हो, अगर आप लोग को किया की कोई सी भी कार चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने शोरूम डिटेल्स दे रखा है। एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग चाहो तो यहां पे विजिट कर सकते हो या फिर कॉल पे बात कर सकते हो। बाकी फिलहाल के लिए बस इतना ही और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा। इसी तरीके की ऑटोमोटिव कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते किसी एक नए मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।